हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। एंड दोस्तों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आज हमारे सामने है 2023 न्यू लॉन्च किया सेल्टोस स्पेस लिफ्ट वेरिएंट। एंड दोस्तों, गाड़ी के लुक्स का क्या ही कहना, बड़ी कमाल लगती है दोस्तों। एंड दोस्तों, अब तक तो आपको ये वेरियंट काफ़ी जगह लॉन्च हो चुके हैं, काफ़ी जगह डिलीवरी भी हो चुकी है। सो दोस्तों, अभी आप जो वेरियंट देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यह है दोस्तों आपका STX प्लस, जो कि दोस्तों आपका आता है डीजल इंजन के साथ एंड 6 IMT गियर बॉक्स के साथ। सो दोस्तों, अगर इसकी प्राइस की बात करें एक्स शोरूम, तो 18.29 लाख रुपए दोस्तों कंपनी ने इसकी एक्स शोरूम प्राइस रखी है। एंड वहीं दोस्तों, अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं, तो दोस्तों ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट एंड सिटी टू सिटी। दोस्तों अभी हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं, यह है रॉयल किया ग्वालियर में, यानी MP। एंड अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें यहाँ पर, तो आपको 21.5 लाख रुपए की करीब ये गाड़ी पड़ जाती है। तो दोस्तों, अब ये देखना पड़ेगा 21.5 लाख रुपए लगाने के बाद आपको इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, एंड फेस लिफ्ट के नाम पे आपको उसमें क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर देना एंड कमेंट जरूर करना। सो दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि फ्रंट फेशिया की आपको इसमें चौड़ाई मिलती है 1800 mm की, जो कि आपकी पहले की तरह है। एंड दोस्तों, मेन जो चेंजेस किए गए वो इसके फ्रंट के ग्रिल में वगैरह में चेंजेस किए गए हैं। यहाँ दोस्तों देख लीजिए, किया गया नया वाला लोगो। साथ में दोस्तों आपको देख लीजिए, क्रोम के एलिमेंट देखने को मिल जाते हैं। एंड जो मेन चेंजेस आपको बताना चाहूँगा, वो ग्रिल में किया गया है। फ्रंट ग्रिल दोस्तों आपको कुछ चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर आपका इसका शेप बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, ग्लॉसी ब्लैक में आपको दे दिए गए हैं। STX प्लस में दोस्तों आपको 360° कैमरा देखने को नहीं मिलता है। एंड साथ में दोस्तों बात करें यहाँ पर आपके लाइट सेटअप की, तो ये आपको वाइट लाइट में देखने को मिल जाता है। पहले आपके चार आते थे, मतलब चार सेक्शन होते थे, अब तीन सेक्शन में कर दिया गया है। दो आपके लो बीम, एक आपका हाई बीम। साथ में ये आपके दोस्तों DRLs की पोजीशनिंग पूरी यहाँ तक कर दी गई है, आगे तक। पहले ऊपर आती थी, अब इसको नीचे करके यहाँ तक कर दी गई है। एंड ये दोस्तों आपके सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर है, जो कि देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। साथ में फ्रंट में दोस्तों आपको चार पार्किंग सेंसर, एंड जो उसमें आपको फॉग लैंप मिलते हैं आइस क्यूब। पहले दोस्तों वो तीन आते थे, एंड अब उनकी तीन होती थी, एक दो तीन, अब उनको चार कर दिया गया है। एंड फ्रंट में चार पार्किंग सेंसर। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तो वही दोस्तों 190 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस बरकरार है, जो कि पहले आपको देखने को मिलता था। तो करते हैं साइड प्रोफाइल की, जो इसमें आपको लेंथ देखने को मिलेगी दोस्तों, वो आपको देखने को मिल जाती है 4365 mm की। 2610 mm का इसमें आपको व्हील बेस देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों बात करें ऊपर, आपको पैनोरामिक सनरूफ प्लस आपको रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाती है। एंड वहीं दोस्तों बात करें अगर इसके साइड मिरर की, तो दोस्तों ये आपको बॉडी कलर प्लस ये आपको ऑटो फोल्डेबल, एंड इसी में आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। एंड साथ ही अगर दोस्तों बात करें इसके टायर सेक्शन की, तो आपको 215/60 R17 का टायर सेक्शन। एंड फ्रंट में दोस्तों कंपनी डिस्क ब्रेक ऑफर करती है। साथ में दोस्तों बात करें, आपको उसमें मस्त से दोस्तों डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। एंड आपको उसमें बस एक थोड़ी खामी है, ब्लैक कलर की क्लडिंग आपको पूरी गाड़ी में देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें, ये आपका बॉडी कलर, एंड नीचे भी दोस्तों आपको बॉडी कलर में देखने को मिल जाता है। डोर हैंडल में दोस्तों आपको क्रोम के मिल जाते हैं। ये आप दोस्तों आपका क्वार्टर पैनल। पीछे वाला टायर की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको कंपनी अब डिस्क ब्रेक ऑफर करती है। एंड दोस्तों, ये आपकी BS6 सेकंड फेज की गाड़ी है, तो कंपनी ने कहीं ना कहीं डीजल गाड़ी में चेंजेस किए हैं। तो वो चलिए यहाँ से अपन का फील लीड ओपनर करते हैं, यहाँ से देख लीजिए। एंड दोस्तों, ये आपका डीजल वेरियंट है। एंड दोस्तों अब इसमें देख लीजिए, आप DEF भी आपको डालना पड़ेगा, यानी सेल्टोस में दोस्तों अब आपको DPF भरना पड़ेगा। एंड अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, तो 50 लीटर की आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों बात करें अगर इसकी बैक प्रोफाइल की, तो देख लीजिए दोस्तों, वही आपको हाइट तो सेम मिलती है, बीच में किया का लोगो, वाइपर, डिफॉगर, हाइस्टॉप माउंट लाइट, सार्फिन एंटीना, छोटा सा स्पॉलर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड मेन जो दोस्तों चेंज किया गया, टेल लाइट सेक्शन में है। एंड इसमें दोस्तों आपको जो टेल लाइट मिलती है, वो आपको कनेक्टिंग टेल लाइट। एंड इंडिकेटर की बात करें, तो वो आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। अभी ये दोस्तों जो ब्लिंक कर रहा है, ये हज़ार में ब्लिंक कर रहा है, एंड इसमें आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर है। प्लस दोस्तों आपको LED बैक लाइट देखने को मिल जाती है। नीचे दोस्तों बात करें, तो यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग प्लस रिफ्लेक्टर, चार पार्किंग सेंसर एंड एक कैमरे की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों आपको बैजिंग मिल जाएगी IMT की, सेल्टोस की बैजिंग। एंड दोस्तों बैक से गाड़ी बड़ी क्लियर लगती है। बात करें दोस्तों अगर इसके बूट स्पेस की, तो चलिए टेल गेट ओपन करते हैं। यहाँ से टेल गेट कुछ इस टाइप से ओपन होता है। पहले दोस्तों आपको पार्सल ट्रे देखने को मिलती है, इसका साइज़ बहुत ही बढ़िया, क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। वहीं दोस्तों अगर बूट स्पेस की बात करें, तो 433 लीटर का बूट स्पेस एंड फ्लैट सरफेस आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, सब ऊपर की प्लेसमेंट, प्लस दोस्तों लाइट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है।
टायर साइज़ की बात करें दोस्तों, तो आपको जो इसमें टायर साइज़ देखने को मिलता है वो आपको तो 205/65/8/16 का, यानी एक साइज़ छोटा आपको टायर साइज़, साथ में दोस्तों बात करें स्टील व्हील रिम के साथ आपको देखने को मिल जाता है। तो बैक से गाड़ी पूछो सबसे लगती है दोस्तों। एंड बात करें दोस्तों अगर इसके ड्राइवर साइड डोर की, तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर डोर पैनल में देखने को मिल जाता है क्रोम एलिमेंट के साथ। साथ में डोर पैनल की बात करें तो आपको ब्लैक कलर का डोर पैनल दोस्तों देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ये आपको या तो कैमल कलर कह सकते हैं या टैन कलर का आपको उसमें सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों बाकी आपका हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। बॉस के इसमें आपको नॉन स्पीकर का सिस्टम देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बात करें यहाँ पावर विंडो कंट्रोल्स, जो कि आपके वन टच डाउन वन टच अप हैं चारों के चारों, चाइल्ड लॉक, लॉक एंड अनलॉक डोर के लिए, मिरर सेट करने के लिए कंट्रोल्स दिए गए, साथ में आपको मिरर फोल्ड करने के भी कंट्रोल्स दिए गए कुछ इस टाइप से। एंड बाकी आपको ट्विटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सीट की तो आपको उसमें इलेक्ट्रिकली सीट हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों फ्रंट की जो आपको सीट मिलती है वो आपको वेंटिलेटेड देखने को मिल जाती है। एंड इंटीरियर वाइज दोस्तों ये गाड़ी पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि इसका इंटीरियर दोस्तों बहुत शानदार है। कैमल कलर आप इसको कह सकते हैं या आप इसको टैन कलर का इंटीरियर भी कह सकते हैं। सो दोस्तों अभी हम गाड़ी के अंदर हैं। एंड दोस्तों अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो बड़ा ही शानदार सा आपको दोस्तों इंटीरियर देखने को मिल जाता है, जो कि आपका ड्यूल टोन में रहेगा कैमल एंड ब्लैक कलर में। दोस्तों बड़ा ही मस्त लग रहा है देखने में, पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करके जल्दी वीडियो को खत्म करते हैं। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं आपको जो स्टीयरिंग व्हील मिलता है वो आपको फ्लैट बॉटम मिलता है। यहाँ पर आपको सेल्टोस की बैजिंग एंड स्टीयरिंग व्हील की बात करें लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पर लेफ्ट साइड आपके वॉल्यूम कंट्रोल, राइट साइड आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको लाइट मिलती है पर ऑटोमेटिक। एंड दोस्तों यहाँ आपको वाइपर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके ऑटोमेटिक नहीं है दोस्तों। एंड दोस्तों स्टीयरिंग की बात करें तो आपको टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक आपको स्टीयरिंग व्हील दोस्तों देखने को मिल जाता है। एंड पर्सनल दोस्तों जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी में, यहाँ देख लीजिए आपको ये सॉफ्ट टच देखने को मिलता है स्मूथ फिनिश के साथ। यहीं दोस्तों आपको जो टच स्क्रीन मिलती है वो आपको मिलेगी 10.25 इंच की टच स्क्रीन, जो कि दोस्तों आपका सपोर्ट करती है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। साथ ही साथ दोस्तों कनेक्टिंग है। यहाँ पर आपको जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो भी आपको 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड दोस्तों ये दिखने में बहुत ही शानदार लगता है। यहाँ देख लीजिए आपको स्पीडोमीटर है, आपको आरपीएम मीटर वगैरह देख जाता है। बीच में दोस्तों आपको डिस्प्ले सब शो कर दी, रिफोलिंग देख लीजिए आपको जिस टाइप से। यहाँ आप दोबारा बटन दबाएंगे, यहाँ देख लीजिए आपको डायरेक्शन आती है। इधर ही दोस्तों आपको आता है टीपीएम मीटर वगैरह। एंड दोस्तों ये आप चेंजेस भी कर सकते हैं, यानी इसके डिस्प्ले आप चेंज कर सकते हैं। एंड वो दोस्तों अभी मुझे पता नहीं किस टाइप से चेंज होगा, बट ये आप चाहें तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। आते हैं तो आपको यहाँ सॉफ्ट टच में देखने को मिलता है ये आपके एसी वेंट। एंड दोस्तों यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप एंड हेडलाइट लेवल यूनिट का आपको उसमें कंट्रोल देखने को मिल जाता है। सो और दोस्तों बात करें, ये आपका पूरा सॉफ्ट टच है, ऊपर आपका हार्ड प्लास्टिक है, वहाँ पर आपको दोस्तों सब ऊपर की प्लेसमेंट। नीचे दोस्तों बात करें एसी वेंट, हजार्ड का ऑप्शन, साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों ऑटोमेटिक एसी, जो कि आपका ड्यूल जोन का ऑटोमेटिक एसी है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए वॉल्यूम कंट्रोल्स, यहाँ पर दोस्तों ट्यूनिंग या सेटअप मीडिया वगैरह आपको कंट्रोल्स यहाँ की जगह यहाँ प्रोवाइड करा दिए गए। नीचे दोस्तों आपको वायरलेस चार्जर मिलता है। सो दोस्तों बात करें, नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी एंड फास्ट सी टाइप का चार्जर देखने को मिलता है। कुछ स्पेस मिलता है, ये दोस्तों आपका रहेगा 6 स्पीड मैनुअल वेरियंट, यानी IMT वाला है दोस्तों, इसमें क्लच नहीं मिलता है। फ्रंट की दोनों सीट आपको वेंटिलेटेड। यहाँ पर आपको दोस्तों बटन दबाती व्यू का कैमरा स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस टाइप से। यहाँ पार्किंग का 2 कप ग्लास होल्डर, हैंड ब्रेक। एंड दोस्तों आर्मरेस्ट की बात करें सॉफ्ट टच में, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों सीट जो पर्सनली आपको मिलती है वेंटिलेटेड, बढ़िया मस्त लगती है दोस्तों। एंड मैं बात करूँ तो ये आपको टोटल शूट करती है आपके इंटीरियर में। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑटोमेटिक मिरर, यहाँ पर आपको एसओएस की मतलब कंट्रोल मिल जाते हैं। जब आप कभी एमरजेंसी में फंस जाएं तो ये बटन दबा के आप किया से हेल्प मांग सकते हैं। यहाँ पर किया कनेक्ट वगैरह है, यहाँ आपको मिलता है दोस्तों देख लीजिए। ये हो गया आपका सनग्लास होल्डर, लाइट वाइट लाइट एंड ऊपर आपको दोस्तों पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत बड़ी है। एंड ये आपका STK प्लस वेरियंट से आपको सनरूफ देखने को मिल जाती है। बात करेगा सनवाइजर की, वेंटी मिरर नहीं मिलता है। एंड पैसेंजर साइड की बात करें, वेंटी मिरर दोस्तों देखने को मिलता है, लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है। सो दोस्तों बहुत बढ़िया लगता है इस गाड़ी का इंटीरियर। सो दोस्तों कैसा लगा दोस्तों आपको इस गाड़ी का इंटीरियर एंड डैशबोर्ड, प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। सो दोस्तों बात करेंगे इसे पीछे वाले डोर की, तो आपको इसमें क्रोम हैंडल भी देखने को मिल जाता है। डोर पैनल दोस्तों आपके सामने वही ब्लैक कलर का है, यहाँ पर आपको कैमल या टैन कलर का आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों ये भी आपका सॉफ्ट टच एंड ये आपका हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। बॉस के स्पीकर, पावर विंडो कंट्रोल्स वगैरह, बॉटल स्पेस, आपको यही सब कुछ देखने को मिल जाता है। दोस्तों पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपको देख लीजिए पीछे वाले पैसेंजर के लिए आपको AC वेंट, 2 सीट टाइप के फास्ट चार्जिंग पोर्ट, मोबाइल रखने का स्पेस। साथ में दोस्तों बात करें स्मार्ट प्योर एयर वायरस प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक का आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। एंड यहाँ दोस्तों बात करें पैनोरामिक सनरूफ, रीडिंग लैंप्स दोस्तों आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ये आपका हो गया ग्रैब हैंडल, दोनों साइड आपको ये देखने को मिल जाते हैं।
एंड अगर इसके सीट की बात करें पीछे वाली तो 60-40 में सीट स्प्लिट हो जाएगी दोस्तों। बीच में आपको आर्म रेस्ट जरूर देखने को मिलता है विद टू कप ग्लास होल्डर, तीन आपको इसमें हेडरेस्ट मिलते हैं दोस्तों। एंड बात करें तो आपका एडजस्टेबल हेडरेस्ट में पीछे आपको पार्सल ट्रे जरूर देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको देख लीजिए दो दो आपको आईसो फिक्स चाइल्ड माउंट देखने को मिल जाते हैं। एंड सीट दोस्तों आपकी काफ़ी चौड़ी है, तीन बंदे दोस्तों आपके इस गाड़ी में बैठ जाएंगे। सो दोस्तों कुछ इस टाइप से रहता इस गाड़ी का इंटीरियर एंड डैशबोर्ड, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो दोस्तों गाड़ी है आपकी STX प्लस डीजल। एंड दोस्तों उसका अगर बात करते हैं इंजन की तो चलिए देखते हैं इंजन बे। सो दोस्तों यहाँ देख लीजिए आपको कुछ इस टाइप का इंजन बे देखने को मिल जाता है जो कि आपका CIDI 1.6 का है, मतलब आपको इसमें 1.5 लीटर का आपको इसमें डीजल इंजन देखने को मिलता है, फोर सिलेंडर। एंड दोस्तों बोनट की बात करें देख लीजिए आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाता है। पावर फिगर दोस्तों आपके 114 BHP एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड दोस्तों माइलेज की बात करें तो अच्छा खासा दोस्तों डीजल में ये गाड़ी माइलेज आपको निकाल के दे देती है, यानी 18-19 का तो एवरेज आराम से आपको गाड़ी दे देती है। एंड कंपनी क्लेम करती है 20 या 21 पॉइंट समथिंग का एवरेज क्लेम करती है। सो दोस्तों रियल लाइफ में गाड़ी काफ़ी अच्छी है एंड चलाने में दोस्तों काफ़ी बढ़िया है एंड गाड़ी बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं है, चाहे इसका आप इंजन डीजल ले लो चाहे पेट्रोल इंजन आप इसका ले लो। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जुड़े रहे हमारे साथ और नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।